इस संयोग को किसने हटाया? बोलते हैं जिसने हटाया उसी को तत्व कहते हैं, जिसके ज्ञान से ये हट गया उसी को तत्व कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था यह श्लोक बहुत भारी है, बहुत गंभीर श्लोक है। अच्छा भाई, स निश्चयेन योक्तव्य, भगवान बोलते हैं, बहुत कम श्लोकों में भगवान बोलते हैं तुम निश्चय कर लो तुमको यही ही करना चाहिए। देखो क्या बोलते हैं, स निश्चयेन योक्तव्य। अगर भाष्य है आपके पास तो पढ़िए, विद्यात, विद्यात का अर्थ क्या कर दिया गया, विजानीयात, विजानीयात मतलब जानो, कुछ करो नहीं, यहां कर्म और उपासना शून्य है, जानो ठीक से, नहीं जानोगे तो ये निवृत्त नहीं होगा। देखो जी, जानोगे तो निवृत्त हो जाएगा। कहीं मुझे याद आता है विवेक चूड़ामणि में अविद्या का जीवन क्या है, अविद्या खा क्या, खा के क्या, पी के पुष्ट होती है, मोटी तगड़ी हो गई है, जन्मों से खा रही है पी रही है, अविद्या का जीवन क्या है? जीवन मतलब ऑक्सीजन, अविचार कृतः बंधा। ये देखो, जो भ्रम होता है ना वो डरता किससे पता है, इंक्वायरी। झूठा व्यक्ति डरता किससे है, इंक्वायरी। माया किससे डरती है, इंक्वायरी से। यहां इंक्वायरी को क्या बोलते हैं, अनुसंधान, विचार। देखना, जो झूठा व्यक्ति होगा वो सदैव किस चीज से डरता है पता है, विचार किया गया तो भगा वो वहां से। विचार मतलब फिर आपकी परतों की परतें निकाली जाएंगी, जैसे ही आपकी परतें उघेड़ी जाएंगी वहां आप वहां से भगे। तो फिर ये जीवित कब तक रहता है, जब तक विचार, देखो अविचार कृतः बंध, ये विचारा भाव जीवन। जब तक विचारों का अभाव है, विचार मतलब ज्ञान, जब तक विचारों का अभाव है तब तक इसका जीवन पुष्ट है। जिस दिन किसी ने इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया, अब माया रानी को समझ में ये आ जाता है, इसने तो इंक्वायरी क्या कर दी है, चलो अब यहां से खिसको, तो वो वहां से खिसकती है। देखो भाष्यकार ने ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में बहुत अच्छे से इस बात को बताया। अंधकार जैसे ही प्रकाश की एक रोशनी आती है, अंधकार वहां से एक रोशनी से ही, इसी तरीके से अज्ञान का जीवन ही अविचार है, अविचार। और हम लोग ज्यादातर अविचार की स्थिति में, क्योंकि हम विचार करना नहीं चाहते, और माया इस बात से खुश रहती है अज्ञान कि ये व्यक्ति विचार करना तो हमारी जगह क्या है बनी। देख लो आप, कहीं भी इंक्वायरी हुई वो व्यक्ति भगा, और जो व्यक्ति इंक्वायरी करने पर भी न भगे तो समझ लो ये व्यक्ति तो पुष्ट है, यहां ठोस है कुछ, ये यहां पे भी है। इसलिए भगवान बोलते हैं विद्यात, तम विद्यात, इसको जानो। दुख संयोग, दुख संयोग। अब दुख के संयोग को इतने शब्दों में, मतलब जो दुख प्राप्त होता है
उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो एक है। तो हो सकता है सिर के ऊपर से अनलिमिटेड को लिमिटेड कर देना, क्या कहा गया, अनलिमिटेड एग्जाम्पल, जो व्यापक है उसको मैंने क्या कर दिया, एक जगह बांध दिया है। ये प्रक्रिया किससे हुई पता है आपके, दिस इज कॉल्ड व्यक्तित्व, इसी का नाम है व्यक्तित्व। मैंने आपको कहा ये अध्यात्म में व्यक्तित्व को बहुत सुंदर नहीं माना जाता, व्यक्तित्व को मैंने आपको पढ़ा होगा, व्यक्तित्व को शब्द ही कहा गया, लैटिन से क्या निकाला गया, पर्सोना, पढ़ा ना, उसको क्या बोलते मुखौटा, मुखौटा मतलब क्या हुआ, जो दिख रहा है वो सच नहीं है और उसके अंदर से मैं कुछ और हूं, दिस इज कॉल्ड व्यक्तित्व, दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। देख लो भैया आप, जो एयर होस्टेस आपको बहुत प्यार से बोलती है, जरा उससे कभी बात करके देखना, वो बड़े खुशी से बोलती है, लेकिन आपको जब बोलती है तो कैसा बोलती है, वेरी पोलाइट, वेरी सॉफ्टली, आपको एक हाथ भी इधर उधर न करने दे, इतना आपकी मदद करती है। कभी ऐसे लोगों के रूम में खुद जाके देखो, अस्त व्यस्त है जीवन, वही हिंसा, वही क्रोध, वही चिड़न, वही फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ऊपर से वो व्यक्ति कैसा दिख रहा है। और हम प्रभावित किससे होते हैं, नेचुरली मुखौटा उसी का नाम है। हमने भी एक मुखौटे को ओढ़ के रखा है, हमने भी एक मुखौटा, हर आदमी ने एक मुखौटा बना रखा है, और जब तक मुखौटा जीवित है तब तक उस कॉन्शियसनेस से मुलाकात करते ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमको उसमें मजा आती है, हमसे कोई इंप्रेस हो रहा है, ओहो मुझे रिवार्ड मिल गया, मुझे अवार्ड मिल गया, वो बोलती बहुत बढ़िया, आगे चलो आगे चलो आगे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, इसी को बोलते हैं व्यक्तित्व। में कह रहा हूं यही सबकी जड़ है। जैसे मैं एक पुरुष हूं या मैं एक स्त्री हूं, ये क्या है, अरे स्त्री और जो पुरुष है वह एक शरीर का नाम है, एंड यू आर बियॉन्ड ऑफ दिस बॉडी, यू आर ओनर ऑफ दिस बॉडी ना, आप ये तो नहीं कह सकते यू आर बॉडी, तो आप ऐसा बोलो ना कि यह जो शरीर है वह स्त्री है और यह जो शरीर है वो पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्त्री और पुरुष नहीं हूं। ओ ये अंदर से घुस जाए एक चीज, तो आप कौन है, तो आप कौन है, मैं कॉन्शियसनेस हूं। उदाहरण दे रहा हूं आपको, घड़े के अंदर के आकाश को घटाकाश कहते हैं। अच्छा, उस बाउंड्री को जरा तोड़ दीजिए, किसकी, घट की, अब वो क्या हो गया, अंतर देखो, क्या घटाकाश महाकाश बन गया, कतई नहीं, क्योंकि जब वो घटाकाश था तब भी वो महाकाश ही था, जब वो घटाकाश था तब भी महाकाश ही था, तो जब घड़ा है तब भी वो महाकाश है, जब घड़े की बाउंड्री टूट गई हाँ तो भी वो महाकाश है। अज्ञान ये है कि उस बाउंड्री ने जिस दिन घेर लिया वो महाकाश अपने आप को
घटाकाश एक व्यक्तित्व के रूप में पाता है। यही घटना यहां घटित हो गई। एक शरीर मिल गया, छोटी सी बुद्धि मिल गई, और हमने इससे अपने आप को क्या कर लिया, कंसीव, बस इतने में बांध दिया बस। तो अब हम उतने ही रह गए जितना हमारा शरीर बना। इसको ही कहते हैं व्यक्तित्व। जिसका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है वो उतना ही दुखी है, क्योंकि उसकी अपने स्वयं से मुलाकात नहीं हो सकती। हम देखो, सोने के लिए व्यक्ति अपनी सब चीजों को उतार के रख देता है, नहीं रखता? ए सन्यासी बाबा भी दंड कमंडल माला जटा जूट सब खोल देते हैं, लेके सो सब? नहीं नहीं नहीं। स्त्री अपने आभूषण खोल देती है, पुरुष अपने आभूषण सब खोल देता है। अरे यही तो तुम्हारा व्यक्तित्व था, मर रहे थे दिन भर इसी के लिए, इसी को दिखाना चाहते थे, यही सबसे कीमती चीज है, तुमको बड़े दिनों बाद मिली है, इसको लेके सो? ना ना, उस कॉन्शियसनेस से मिलने के लिए ये सब चीजें क्या करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं। जब उससे मिलन के लिए ये सब छोड़ना पड़ता है, तो उससे मिलन के लिए ये जो व्यक्तित्व है, हाँ, इसको खोना पड़ता है। बहुत कहने में बड़ा कठोर लगेगा, जब मैंने भी सुना, बड़े दिन तो शौक में ही रहा मैं किसी से, यू हैव टू मर्ज योर इंडिविजुअलिटी। वी लव आवर इंडिविजुअलिटी। वेदांत में इंडिविजुअलिटी का नाम ही अज्ञान है। इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तित्व, और यही व्यक्तित्व व्यक्ति को कर्तृत्व भी जन्म देगा, भोक्तृत्व को भी जन्म देगा, संसार। इसलिए भगवान ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उनको पकड़ में एक बात आ गई, इसको इस सब मत बोलो, दुख संयोग, ये कैची शब्द है, इसलिए एक ही शब्द बोला, दुख संयोग। इसका जो वियोग करता है, वियोग करने से होगा, कुछ करने से नहीं होगा, विद्या जानने से होगा। किसको जानने से होगा? तत्व को जानने से होगा। ऐसे तत्व को जानने को हाँ योग कहते हैं। देखो जी, मेरे ख्याल से नाउ आई एम क्लियर। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योगम संगीतम। अब पूरी परिभाषा बोलता हूं, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। किसी को अब कुछ रह गया कंफ्यूजन तो बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। स्पष्ट हो गया? ध्यान रखें, यह निवृत्ति साधन रूपा नहीं है, यह निवृत्ति साध्य रूपा है। करना नहीं पड़ा, हो गई, हो गई। चीजें घटित हो जाएं तो अच्छी बात है, घटानी ना पड़े, जी तोड़ ना करना पड़े। कभी मन में ऐसा आता है, ध्यान करना पड़े तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं उसको भी बुरा नहीं, लेकिन ध्यान हो जाए तो। कभी आपका ऐसा ध्यान लगा है, करना ना पड़े, हो जाए? जब होता है तो आपको समय का भान नहीं होता है, और जब करते हैं तो समय का भान होता है। हम 20 मिनट से कर रहे हैं, हम 10 मिनट से कर रहे हैं, बन रहा है ना हाथ। मैं एक जिनको मैं मानता हूं, मैं ऐसे पूछा था कि लोग ध्यान ऐसे करते हैं, अच्छी बात है, मैं ध्यान रखना विरोधी नहीं करता ही, लेकिन मैं कहता हूं मुझे ये भी नहीं करना पड़े, मैं ऐसे ही बैठा हूं, क्या जरूरत इसकी करने की,
ये भी तो एक बंधन ही है कि इसको जोड़ो, पता लगा हट रही है तो ध्यान खत्म हो रहा है, सिद्धि नहीं आएगी। तो ऐसा करना ही फिर तो ये एक साधन है। हम आंख बंद करके बैठे हैं, हम कैसे भी बैठे हों ये भी भान ना हो कि हम कैसे बैठे हैं, और वो 5 मिनट भी बैठ जाइए, घड़ी की सुई आपको दिखाएगी कि आप आधे घंटे पार कर गए हैं। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, स्वतः हो रही थी। ये चीज आने लगे तब समझ लेना ध्यान सधने लगा। हाँ, वो फोटो खिंचाने के लिए सब होता है, तो महामंडलेश्वर लोग कैसे खिंचाते हैं आपने देखा है? ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई वो, सब उनकी जो अंतरंग चीजें हैं वो आपको थोड़ी ना कोई बताए। यत्र यत्र मनोयाति, तो कहाँ दिखाओगे ये उंगली? यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र, अरे जहां जहां मन जाए वहीं वहीं समाधि। कमरे में बैठकर क्यों करें? जिस चीज को देखें उसके सच्चित आनंद को देखने लगे। हो सकता है हम तो एक जगह बैठ के देखते हैं। हमें एक स्वामी जी ने ऐसे बोला, चीजों के होने को देखो, किसी चीज के होने को देखो, चीज को देखना। अब कैसे कहूं, ये शब्दों में झाला नहीं जा सकता। बस ये सब चीजें, पुष्प लगा है तो हम ज्यादातर किसको देखते हैं? पुष्प को देखते हैं। लेकिन आप पुष्प के होने को देखो, पुष्प को हटा दो, अब उसके उसकी जो सत्ता दिख रही है ना, एग्जिस्टेंस, उसकी की ओर कभी ध्यान लगाइए। उसके अंदर एक जीवत्व मिल जाएगा आपको, एक जीवन दिखेगा। ओहो, वो जीवन सब में दिखना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको, पौधों में भी, पशुओं में भी, पक्षी में भी। वस्तु को नहीं देखना है, वस्तु के पीछे जो अस्तित्व भाव है। आहा, कौन सी चीज है जहां अस्तित्व भाव नहीं है? तब ये लाइन घटती है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। ये धीरे धीरे अभ्यास की बात है, जितना आप करते जाएं करते जाएं। इसलिए एक तो ध्यान और एक तो निवृत्ति साधन रूप है, लेकिन मैं जिस निवृत्ति की बात कर रहा हूं, हाँ, वो परम निवृत्ति अवस्था रूप नहीं है। यह समाधि अवस्था रूप नहीं है, ये तत्व रूप है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो ये पंक्ति समझ लीजिए, तुरी अवस्था का नाम नहीं है। तुरी अवस्था का नाम नहीं है, तुरी तत्व का नाम है। बताने के लिए चौथा बोलते हैं, चौथा। वो चौथा सच नहीं है, वह जो चौथा है वो तत्व है। वैसे कभी पढ़िएगा मांडू के उपनिषद में, बात आई है, घंटे के नाद, घंटे के बजाने के बाद जो नाद है उसको सुनो, वो तत्व है, वो तत्व है। घंटे की आवाज नहीं, घंटे के आवाज होने के बाद जो एक नाद शेष रह गई, जो कंपन शेष रह गया, उस पर ध्यान लगाओ। ओम तो अज्ञान है, अयो क्या बोल रहे हैं? बोले आपका दिमाग खराब है आज, ओम तो अज्ञान है। आ ऊ मां, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवेकिंग स्टेट ड्रीमिंग स्टेट डीप स्लीप स्टेट, अल बोलने के बाद जो शांति मिलती है, दैट इज तत्व। वो तो सीढ़ी है तीन, उसको पहुंचने के लिए अ पे चढ़ो, मुंह पे चढ़ो, मां पे चढ़ो और गिर जाओ। नहीं गिरेंगे नहीं, मैं तो मां पे ही रहूंगा,
तो तत्व से दूर रहोगे, फिर तुरी तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये कहना तो आसान है, मैं आपसे बताऊं, उन स्वामी जी ने बोला, कोई व्यक्ति अपने जीवत्व को मारना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी को रखने का शौक है। यहां अच्छा उसके मन में यह आता है, अगर मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी मर्ज कर दी, मान लें, तो मेरा क्या होगा, ये डर उसको सताता है, मेरा क्या होगा, यही डर ही उसको वहां खाई के पार जाने नहीं देता। इसलिए परम निवृत्ति साधन रूपा नहीं है, हाँ परम निवृत्ति तत्व रूपा है। आभूषण अवस्था है, स्वर्ण तत्व है। लहर अवस्था है, जल तत्व है। ठीक है, इसी तरह से इन सब के करने के बाद जो बचता तत्व है, भगवान बोलते हैं वो कोई अवस्था नहीं है जो निवृत्ति को कह रहे हो। जो बचा, भाई आभूषण की निवृत्ति कर दी तो स्वर्ण बचा ना, ऐसे ही जीवत्व की निवृत्ति कर दी तो जो बचा वो कौन है, वो तत्व है। स्पष्ट हो गया। भगवान बोलते हैं मैं तुमको एक सलाह देता हूं, निश्चयेन योक्तव्य, मिल रहा है, निश्चयेन योक्तव्य, अर्जुन निश्चय कर लो तुमको यहीं तक पहुंचना है। कहां तक, इस 23वें के ऊपर, 23वें श्लोक के ऊपर तुमको पहुंचना है अर्जुन, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारे। लेकिन ध्यान रखना, अधीर मत हो जाना, ये साधना में पड़ी, अधीर मत हो जाना, अनिर्विण्ण चेतसा, मिल गया, उद्वेग नहीं होना चाहिए चित्त में, भावावेश में आके कोई कदम मत उठा देना, तो नहीं हो सकता। धैर्य से रखना, लक्ष्य को सामने रखना, न निर्विण्णम। अच्छा भाष्य देख लीजिए, योगः फलम उपसंगृत्य पुनः, मिल रहा है आपको, अन्वारम्भेण योगस्थ कर्तव्यता उच्यता निश्चय आदि निर्वेदयः योग साधनत्व विधानार्थम। देखो सह यथोक्त फलः योगः निश्चयेन, निश्चयेन का अर्थ क्या किया, अध्यवसायेन, देखो जी, एकदम निर्णय करके, अनिर्विण्ण चेतसा, एकदम चित्त में उद्वेग न होवे, ऐसे कर तुमको यहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है ना। अब मानो कि उस साधक ने पूछा, समझ में तो आ गया हमारे, लेकिन मुझे ध्यान में जो बाधा करता है गुरुजी, वो है मन, मैं इसका क्या करूं। तो देखो आप, इस मन के लिए स्थूल चीजें पहले ही बता चुके हैं, आपने देखा है पहले जो साधना बताई है। अब सूक्ष्म ऑब्स्टिकल, बहुत सूक्ष्म है, ध्यान करते समय जो साधक को सताती है उसके निवारण के लिए अब ये बोलते हैं, कौन सा श्लोक, 24वें से श्लोक, कैसे ध्यान में चीजों को ले जाओ, ध्यान में कैसे प्रवेश करो, इसके लिए 24वें श्लोक से भगवान बताते हैं, ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः